तोड़ते हुए आज आपको सैर करवाते हैं चुटियारी डैम की। डैम के डोर्स वगैरह तो फिलहाल ही नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे नेट भी नहीं है। और मैं मौजूद हूँ आज सिंध के शहर सांगड़ में। सांगड़ के करीब ही कोई 20-25 किलोमीटर दूर ये डैम मौजूद है। चलें आप इसकी सैर करें और हम भी इसकी सैर करते हैं। ये बोट वाले काफ़ी लंबा चक्कर लगवा कर लाते हैं लोगों को। स्पेशली इस शहर की बात करें तो इस शहर में जो मुझे अच्छा लगा है ना, वो मौसम है कि शाम के टाइम मौसम इतना VIP हो जाता है कि चाहे दिन भर जितनी भी गर्मी हो। खैर आज तो पूरा दिन ही मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी ही पानी है। ये बोट वाले देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग। वाह, बोट वाले देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये देखो लहरें कितनी तेज हो गई हैं उस बोट की वजह से। तो लोग काफी उस तरफ चल के जा रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी हसन भाई को कहता हूँ कि हम लोग भी उस तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं आपको बताता हूँ किस जगह मैं खड़ा हूँ। मैं हूँ इस टाइम बाकर लेक रिजॉर्ट पे और अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं आप मैप पे भी देखेंगे कि चुटियारी डैम डोर्स जहाँ पे हैं हम उस तरफ अब जाएंगे। और मैं तो फर्स्ट टाइम डैम पे आया हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं कैमरे से आंखें तो ज़्यादा छुपा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है। तो फर्स्ट व्लॉग में हर बंदा वो गलतियाँ करता है जो जिसने फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया हो वो ही जानता है कि वो कैसी गलतियाँ करता है।
हूँ भाई, वो आ चुके हैं। हसन भाई, हसन भाई नज़ारे देखने में गुम हुए पड़े हैं। हसन भाई उधर, अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे वो रिजॉर्ट सी बनी हुई है। आपको जूम करके दोबारा दिखाता हूँ, उधर जा रहे हैं, शायद हमें उस तरफ वो नजर आ रही है। मेरा मोबाइल तो हो चुका है जी डेड, बैटरी लो हो गई है और बैटरी की इसकी लाइफ भी इतनी थोड़ी थी। अभी मैं पहुँचा हूँ डैम के नीचे। आई थिंक इसका कोई एक ही डोर खुला हुआ है जिसमें से पानी नीचे बह रहा है, आप ही देख सकते हैं। हसन भाई वो ऊपर खड़े हुए हैं, नज़ारे ले रहे हैं। वो तो आई थिंक आ चुके हैं डैम पर काफ़ी दफ़ा घूमने के लिए, लेकिन मैं आज पहली दफ़ा मैं सबसे पहला डैम का। क्या ही ज़बरदस्त, आप भी देख सकते हैं। अगर सर्दियों में पानी इसमें आएगा इतना फुल पानी तो कितनी खौफनाक सीन होगी। आई थिंक इसका कोई एक डोर खुला हुआ है ये जिसमें से पानी नीचे आ रहा है। इस साइड पर आप देख भी सकते हैं पानी आगे जा रहा है, शायद ये कोई आगे नहर बनी हुई है इस तरफ। साइड पे आ जाओ, वो डैम पे जो पानी वाला मीटर होता है वो आई थिंक लगा हुआ है। दूर से इतना क्लियर नजर आ रहा है। यह साइड जाल सा लगा हुआ है, कचरा वगैरह या कुछ आ जाता है डैम में तो शायद वहीं रुक जाता होगा। ये एक डोर खुला हुआ है नीचे से जिसमें से पानी क्रॉस हो रहा है, और एक मुझे वो मछली भी मरी हुई नज़र आई है, शायद आपको भी नज़र आए। पानी का शोर है, आई थिंक बस एक ही डोर खुला हुआ है जो साइड से पानी निकल रहा है, एक ही डोर खुला हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी उतरा हुआ है, और मैंने आपको पीछे दिखाया भी था वीडियो में कि कुछ
लिखा हुआ है कैपेसिटी कितनी है और लेंथ स्टोरेज, डेड स्टोरेज और एरिया कितना है इसका और सारी डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं वीडियो में। बोर्ड जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा इस पर। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम ये है कि अगर अल्लाह ना करे इसके अंदर कोई गिर जाए तो। खैर, यहाँ पर जालियाँ लगी हुई हैं, हम इनके ऊपर चलते हैं। चलते हुए आपको नज़ारा करवाते हैं, आप देख सकते हैं। वो देखें पानी वाला पुल लेवल लगा हुआ है, पानी अभी इससे नीचे 7 फुट गहरा है। वो जहाँ तक आपको पानी के निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक पानी होता है इसमें, इससे भी ऊपर शायद जाता हो। बहरहाल जहाँ पर निशान है यहाँ तक तो पानी गया हुआ है, इतना ऊंचा पानी। दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पानी ही पानी है। वो सामने कुछ टीले वगैरह बने हुए हैं। सफ़र बांधते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। लंबा तो नहीं है, खैर 50-60 किलोमीटर है, शाम भी होने वाली है तो इसलिए घर की राह ले।